ये गरीब मजदूरों के ही बच्चे इसमें आते हैं। और इसको लेकर सरकारी विद्यालय के जो कई ऐसे प्रधानाध्यापक है, टीचर है, वो लोग लापरवाही करते हैं, इनको जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं दे पाते। ये सब्जी में इतना पानी क्यों है? 100 में 10% विद्यालय है जो अच्छा दिखाई देता है, और 90% विद्यालय है जो जिनकी बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी है। मेरे पापा लेबर में काम करते हैं, मिस्त्री, लेबर और वेल्डिंग यहाँ पर। तुम्हारे पापा क्या करते हैं बाबू? लेबर लेबर। अब देखिए, इतने ही बच्चों में मैं पूछता हूँ, इसमें उन्हीं लोगों के बच्चे आते हैं जो रोज मजदूरी करके पैसा कमाते हैं। क्या हुआ पापा को? दारू मर गए। कहाँ घर है? दारू पी के मर गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं शराबबंदी में भी शराब पीकर मरने वालों की संख्या ज्यादा ही है। और यहाँ पर जो आदमी मरा है भगवानपुर में, इसके पिता है, गुड्डू नाम है, और छठ जो आया था, छठ पर बिहार में, उसके सुबह में ही शराब पीने के कारण इनकी मौत हो गई, जो गुप्त ही रह गई, आज तक न्यूज में ये आया ही नहीं। इस समय हम लोग राजकीय उत्क्रमिक विद्यालय भगवानपुर में है, घुटनी प्रखंड में पड़ता है, सिवान जिला में पड़ता है। चलिए यहाँ के इस विद्यालय की स्थिति हम लोग दिखाते हैं, मिड डे मील की व्यवस्था कैसी है, बच्चों की पढ़ाई कैसी है, शिक्षक सबको जानकारी कैसी है उनसे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, और जो बच्चे हैं छात्र हैं उनसे भी कुछ सवाल जवाब करेंगे, अब पता करते हैं। उसके पहले यहाँ पर देख सकते हैं प्रांगण है, यहीं पर थोड़ा कुछ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये दो तला स्ट्रक्चर है जो इसका अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर आइए, पहले प्रधानाध्यापक जी से आदेश ले लिया जाए, उसके बाद और सब क्लासों में या और सब जगहों में चला जाएगा। प्रधानाध्यापक जी कहाँ इसमें है? यहाँ पर देखिए, किसी भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक पढ़ाई कराते हुए नहीं दिखते हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं। हम लोग आए तभी से क्लास में हैं, एक कक्षा 7 है, और इसी में बच्चे सबको ज्ञान दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। सर जी थोड़ा एक मिनट, प्रणाम सर जी, थोड़ा प्रधानाध्यापक हैं। वैसे तो किसी भी विद्यालय में ऐसा दिखता नहीं है कि प्रधानाध्यापक क्लास में जाकर पढ़ाए, ऑफिस में ही देखने को मिलते हैं या छुट्टी पर आते हैं। यहाँ पर हम लोग आए, प्रधानाध्यापक जी अपने क्लास में कक्षा ले रहे थे, क्लास ले रहे थे। सर जी आपका परिचय? मेरा नाम अजय कुमार महतो। अजय कुमार महतो, आपसे आदेश लेना चाहते हैं इस विद्यालय की स्थिति को दिखाने के लिए, आप क्या करें? बस आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रधानाध्यापक जी, आदेश दे दिए। अब हम लोग चलेंगे इसमें, यहीं से शुरू करते हैं प्रधानाध्यापक जी से। एक कक्षा 7 है बाबू? सर 8 है। अच्छा चलो, अच्छा है। क्या पढ़ाई हो रहा है? गणित। यस सर। क्या पढ़ाई हो रहा है? गणित हो रहा है। सोए हो क्या? निकाल कर पढ़ नहीं रहे हो। गणित में क्या पढ़ाई हो रहा है? परिमेय। गणित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स। चलो ठीक है सर, क्या पढ़ाई हो रहा है? ये परिमेय संख्याओं के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है। सर आप ऐसे ही क्लास लेते हैं या टीचर की आज कमी है? नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं, हम सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड भी पूरा क्लियर है, बोर्ड भी अच्छा है, दिनांक भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट भी और क्लास भी सब यहाँ पर अच्छा से लिखा हुआ है, जो पढ़ाई हो रहा है वो भी लिखा हुआ है। बाबू थोड़ा एक क्वेश्चन कोई पूछिएगा जो ये लोग बता दे। आप तो डेली आते नहीं होंगे क्लास में पढ़ाने के लिए? नहीं नहीं, अक्सर मैं आता हूँ। मैथ का टीचर कौन है सर? मैं ही हूँ जी। अभी चूंकि मान लीजिए कम से कम 2 साल तक इन लोगों का विद्यालय बिल्कुल बंद रहा है, अब इन लोगों का पढ़ाई का स्तर थोड़ा पीछे चला गया है। अच्छा चलिए, उसे सब्जेक्ट से नहीं लेंगे, वैसे बेसिक जानकारियां जो होनी चाहिए उस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। बाबू इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है? सिमरन कुमार। सिमरन कुमार इधर आओ। तो थोड़ा किस क्लास में पढ़ती हो? 8 में ना, चौक ले लो। 8 में पढ़ती हो जी? थोड़ा ले लो, 8 लिखोगे? बढ़िया है, बढ़िया। जनवरी फरवरी सब आता है? यस। फरवरी का क्या होगा स्पेलिंग? ये क्या है बाबू? ये है। हाँ ठीक है। देखिए किसी भी विद्यालय में जाते हैं तो ये बेसिक जानकारियां नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये अच्छा से लिख रही है, इसका मतलब पढ़ाई होता है इसको? यस। टीचर सब लोग समय से आते हैं? यस सर। आते हैं। इंग्लिश की पढ़ाई होती है अच्छा से? यस सर।
सब सब्जेक्ट की होती है। या सर, पूरा चलो अच्छा है, धन्यवाद। इसमें कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। वैसे अपने देश के राष्ट्रपति कौन है मालूम है तुम्हें? प्रधानमंत्री कौन? श्री नरेंद्र कुमार। श्री नरेंद्र कुमार। और किस राज्य में रहते हो? बिहार। बिहार में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री कौन है अपने देश के? मोदी। यहाँ पर सर बेसिक जानकारी नहीं हो पाई। देखिए अभी जो इन बच्चों को जो है अभी पूरे पढ़ाई का स्तर सामान्य करने के लिए हमने इसे वर्णमाला सिखाया है, नहीं चाहे वो हिंदी का हो इंग्लिश का हो, फिर पढ़ना सिखाया है, फिर अब गिनती में इसको गिनती पूछ लिए बच्चों से, इसको गिनती सिखाया, फिर मौलिक क्रियाओं के बारे में जानकारी दी है। और अब विषय वाले बच्चे को बेसिक जानकारी या क्या होनी चाहिए? कौन सी बेसिक जानकारी? जैसे कि बच्चे धारा प्रवाह, मान लीजिए कहीं स्कूल से जा रहा है, कहीं घूमने जा रहे हैं रिश्तेदारी में, पहले लोग उससे क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? अब ये बेसिक जानकारी में है कि बच्चे जो है क्या कहते हैं कि उसको किताब पढ़ने का ज्ञान बिल्कुल हो, धारा प्रवाह पढ़ सके, धारा प्रवाह बोल सके, लिख सके। नहीं तो ऐसा स्तर मैं हिंदी में इसमें भी क्लास लिया है और वर्णमाला से शुरू किया, पूछ लीजिए मुझे। चलिए वर्णमाला तो दूर है, वैसे पहले पहले क्लास में शिक्षा दिया जाता है बेसिक जानकारियां में, वैसे अपने माता पिता का नाम, गांव का नाम, जिला का नाम, राज्य का नाम, देश का नाम, कौन उसके राजा है देश का, राज्य का कौन राजा है, ये सब जानकारियां। बड़े बच्चे हैं उसे परिचित हैं, लगभग परिचित हैं, ये बच्चे परिचित हैं। चलो ठीक है, अपने राष्ट्रपति का नाम बताओ तो तुम बाबू। रामनाथ कोविंद। देखिए सबसे पीछे बैठता है लेकिन मालूम है, आगे वालों को मालूम नहीं है। तुम लोग पूछा था ना, हाँ तो आगे क्यों बैठते हो तुम? और प्रधानमंत्री कौन? श्री नरेंद्र मोदी। बस किस राज्य में रहते हो बाबू? बिहार। यहाँ के शिक्षा मंत्री कौन है? अमित शाह। अरे अमित नहीं मालूम है। मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी हैं। चलो अच्छा काम करते हैं नीतीश कुमार तुम्हारे लिए। क्या क्या किए? मालूम नहीं। पढ़ाई अच्छा से होता है इस विद्यालय में? या सर। अच्छा तो सितंबर का स्पेलिंग बताओगे? सर लिख रहे SETEMBER। शाबाश। और अम्ब्रेला का स्पेलिंग मालूम है तुम्हें? UMBERELL। शाबाश चलो अच्छा है। और 25 को 2 से विभाजन करोगे, विभाजन मालूम है तुम्हें? हाँ 25 में 2 से विभाजन करोगे कितना आएगा? 12.5। शाबाश। देखिए एक लड़का मिला जो पीछे बैठता है और इन लोगों से इंटेलिजेंट है, पीछे क्यों बैठा है? इसलिए कि इसमें व्यवस्था में यही बताया गया है कि जो बड़े कद के बच्चे हैं पीछे बैठे हैं, जो छोटे कद के बच्चे हैं वो आगे बैठे, ताकि ब्लैक बोर्ड को देखने और समझने में उनको दिक्कत ना। कहाँ घर है बाबू? चकरी। अच्छा कहाँ पढ़ते हो? इसी में पढ़ते हो या घर जाकर ट्यूशन? कोचिंग करते हैं। कोचिंग किसके पास? आकाश सर के पास। आकाश सर के पास जताओ? कितने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से है हुए? कितने दिनों से उनके पास पहुंची? मतलब लगभग हो गया, मतलब जनवरी से पढ़ रहे, 27 जनवरी से उनका बैच स्टार्ट होता है। ये मतलब अम्मा है। आगे चल के किस चीज का तैयारी करना? अरे सर तैयारी वाले रही, अभी गोल में अभी लगे हुए हो। गोल क्या है तुम्हारा? नहीं मालूम है, अभी नहीं लिए। अच्छा चल चलिए किसी और क्लास में चलते हैं। अपना परिचय आप दें, आप अपने बारे में लोगों को बताएं। हम क्या बताएं बच्चे, मुझे आप लोग जानते हो? अच्छा छोटे छोटे हो, अच्छा है, टीवी से मोबाइल से उतना मत लगे रहो, अपना पढ़ाई करो अभी। यार अगर उससे तुम लोग जुड़े होते तो मुझको जानते, अगर मोबाइल से जुड़े रहते तो। हाँ मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए, टीवी भी ज्यादा नहीं देखना चाहिए, इस उम्र में पढ़ाई ज्यादा करना चाहिए। कैसा आप अपने बारे में बताएं क्या? हाँ मैं मनिंदर सिंह हूँ, दबंग 24 से, जान जाएंगे आप। अच्छा धन्यवाद इसमें आदेश देने के लिए। अब चलिए दूसरे क्लास में चलते हैं। उससे अच्छा होता है, ये व्यवस्था थोड़ा गड़बड़ है। क्या व्यवस्था गड़बड़? ये गड़बड़ है कि साफ सफाई नहीं होता है सर। अच्छा चलिए अब मिड डे मील की जो व्यवस्था है खाने की वो हम लोग दिखाते हैं, नया नया टीचर भी इसमें आए हैं। क्या सर जी आप तो बिल्कुल नए हैं? जी सर। जी सर किस माध्यम से हैं? टेट के माध्यम से। टेट के माध्यम से। चलिए और बताइए आपका अपना परिचय दीजिए। थोड़ा ये लोग खाने बैठे हैं, चप्पल पहन कर। रमेश कुमार गुप्ता 125 प्रखंड शिक्षक। 125 जी। चलिए अच्छा है।
आपको तो पूरी जानकारी होगी तभी ना आए होंगे। तो सरकार के नॉलेज में जानकारी है। अभी तक कितना नॉलेज बच्चे को दिए, कितना महीना हो गया? हमको हो गया 28 आएगा तो 3 महीना हो जाएगा। जी सर, चलिए अच्छा है। अब अभी तक कुछ जानकारी दी है कि नहीं, कुछ नया देने का प्रयास? लगभग अपने स्तर से जितना से अधिक दे दिया जा रहा है। अब बच्चों को गाइडलाइन अभी शुरू से मैंने बहुत अच्छे धारा प्रवाह में लाया गया है। इन लोगों को पहले से लाया जा रहा है, उसी धारा प्रवाह को अब आगे बढ़ाने की, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मिड डे मील में जो खाना मिलता है नियमानुसार मिल रहा है, जो मेन्यू के अनुसार मिलता है, मेन्यू के हिसाब से मिलता है। जी सर, डेली बदल बदल मिलता है डेली? अभी तो आप नए नए आए हैं, अंदर से देख रहे हैं कि डेली मेन्यू चेंज होता है, मेन्यू के अनुसार बच्चों को भोजन दिया जाता है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर खाने की व्यवस्था है, बनाने की व्यवस्था है, और किचन में लगे हुए हैं लोग, खाना भी अच्छा से बनाते हैं। थोड़ा हटिएगा मैडम, यहाँ पर देखिए, ये दाल है, दाल है ना, ये सब्जी है, सही सब्जी चावल, ये चावल है, ये सब्जी में इतना पानी क्यों है, किसको खिलाया जाएगा? मैडम आइए, थोड़ा इधर आ जाइए। सब्जी में इतना पानी क्यों है? पानी रासा से ना खाए, ऊपर से निकाल दिए हैं। कहाँ है, कहाँ है सब्जी? इसमें है, नहीं नहीं सही बोल रही है, इसमें पूरा सोयाबीन दिख रहा है, अब पूरा पानी निकल गया। सही है सही है, हम लोगों को लगा कि बस पानी ही डाल दीजिए। कौन सा क्लास है बाबू? सिक्स क्लास है। चलिए, दिनांक 17 गणित की पढ़ाई हो रही है, गणना से संबंधित विषय है, गणना से संबंधित विषय गणित कहलाता है। पढ़ाई हुआ है ना, गणित किसे कहते हैं? सर गणना, सर किसे कहते हैं? गणना से गणित के विषय। फिर बोलो, खाना खाओगे ना? अभी भूख लग गया है। नहीं सर। हाँ, गणना से संबंधित, गणना से संबंधित वहां पर लिखा हुआ है ना, अभी ना मैं पढ़ कर बताया, यही तुम लोग का पढ़ाई हुआ है तो तुम लोग को दिमाग में क्यों नहीं घुसा? क्या नाम है तुम्हारा? सरासमरी। हाँ, सरासमरी। सिक्स क्लास में पढ़ती हो? नहीं सर, पांच। फाइव में? फाइव का स्पेलिंग बताओगे? FIVE, फाइव में। और इंग्लिश वगैरह की पढ़ाई होती है? या सर। अम्ब्रेला का बताओगे? सर अम्ब्रेला का UME लिख लोगे? सर इसका नहीं याद है। नहीं याद है तुम्हें? मालूम है बाबू? नहीं सर। तुम्हें अपना नाम मालूम है? या सर। क्या नाम है? अंकिता कुमारी। अंकिता का स्पेलिंग क्या लिखा है? ANKITA। पूरा नाम? ANKITA KUMARI कुमार। अच्छा, और किस क्लास में तुम पढ़ती हो? फाइव। पढ़ाई करती हो? यस। पापा क्या करते हैं? सर पापा बाहर में रहते हैं। क्या करते हैं? सर बिल्डिंग का काम करते हैं। बिल्डिंग का काम करते हैं। तुम्हारे पापा क्या करते हैं बाबू? सर मिस्त्री हैं। हाँ? सर मिस्त्री हैं। मिस्त्री क्या दीवार जोड़ते हैं? यस सर। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा लेबर में काम करते हैं। मिस्त्री, लेबर और वेल्डिंग यहाँ पर। तुम्हारे पापा क्या करते हैं बाबू? लेबर वाला काम। लेबर, लेबर। अब देखिए, इतने ही बच्चों में मैं पूछता हूँ, इसमें उन्हीं लोगों के बच्चे आते हैं जो रोज मजदूरी करके पैसा कमाते हैं। बाबू तुम्हारा क्या नाम है? रानी कुमारी। पापा क्या करते हैं? गिलवा मट्टी काम करते हैं। गिलवा मट्टी। तुम्हारा बाबू? प्रिया कुमारी। पापा क्या करते हैं? पेंटिंग। हाँ, पेंटिंग, पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग करते हैं। तुम लोगों के पापा क्या करते हैं? मेरे पापा वेल्डिंग। वेल्डिंग करते हैं। तुम्हारे पापा बाबू? सर नहीं है। फिर बोलो। सर नहीं है। क्या हुआ पापा को? सर दारू पी के मर गए। कहाँ घर है? भगवान। दारू पी के मर गए? यस। कब? सर छाती के व्यायाम। छाती के व्यायाम। रो मत, रो मत, मम्मी है। यस सर। बाबू रो मत। पापा क्या नाम था? गुड्डू सोनार। शराब पीते थे? यहाँ पर देख सकते हैं, शराबबंदी में भी शराब पीकर मरने वालों की संख्या ज्यादा ही है, और यहाँ पर जो आदमी मरा है भगवानपुर में, इसके पिता है,
गुड्डू नाम है, छठ जो आया था छठ पर बिहार में, उसके सुबह में ही शराब पीने के कारण इनकी मौत हो गई, जो गुप्त ही रह गई, आज तक न्यूज में आया ही नहीं। कहाँ से पढ़ाई के मम्मी लाती है, पैसा देती है? मामा भेजता है। मामा मदद करते हैं। कितने भाई हो बाबू? चार। तीन भाई है या दो भाई? तीन भाई दो भाई। यहाँ पर देख सकते हैं किसी के पापा शराब पीकर मर गए हैं। बैठो बाबू। और इसमें सरकारी विद्यालय में जितने भी बच्चे आते हैं सबके पापा मजदूरी करके पैसा, मेहनत से कमाए हुए पैसे को इसमें देते हैं, सरकारी विद्यालयों में जो जो भी पैसा लगता है या जेब खर्चा के लिए या कुछ भी के लिए, गरीब मजदूरों के ही बच्चे इसमें आते हैं। और इसको लेकर सरकारी विद्यालय के जो कई ऐसे प्रधानाध्यापक है, टीचर है, वो लोग लापरवाही करते हैं, इनको जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। घुटनी प्रखंड में या कहीं भी आप देख सकते हैं, मैं इन लोगों के पीछे जब से पढ़ा हूँ ये मेरे पीछे पड़ गए। वैसे तो अब जिस विद्यालय में, जेल से आने के बाद जिस विद्यालय में भी जा रहा हूँ, अभी दो से तीन विद्यालय में गया हूँ, वहाँ प्रधानाध्यापक का आदेश भी ले रहा हूँ, तो प्रधानाध्यापक आदेश दे दे रहा है क्योंकि वहाँ की व्यवस्था अच्छा है, और जहाँ की व्यवस्था अच्छा नहीं है वहाँ पर वो लोग आदेश नहीं दे रहे हैं। और इधर उधर का रिश्ता जोड़कर, आप बाबू साहब हैं इस गांव से हैं, आपके पापा से मेरी दोस्ती, ऐसा कहने के बाद वहां से भेज दे रहा है। ऐसा मैं घुटनी प्रखंड में कई विद्यालयों में मेरे साथ हो चुका है। अब चलिए यहाँ पर लाकर दिखा दी, अगर इनके बाप पापा अगर कमाने वाले होते, बिजनेसमैन होते, सरकारी जॉब में होते, तो शायद ये लोग इस विद्यालय में नहीं बैठते, कहीं और बैठते। और वैसे नीतीश कुमार सबसे ऊपर दिखाते हैं बिहार में शिक्षा के स्तर, और शिक्षा के स्तर जो इसकी बिल्डिंगे होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो टूटता जाता है, स्ट्रक्चर गिरता जाता है, शिक्षा का स्तर भी इस समय बिहार में गिरता जा रहा है, लेकिन इसमें नीतीश सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हाँ, पुराना बिल्डिंग है, कितना साल हो गया? छह महीने से ऊपर हो गया। तो विद्यालय अब शुरू हुआ है, मान लीजिए कि अब कार्य सब कुछ अच्छी तरह से चलेगा। यहाँ पर देखिए हर काम धीरे धीरे होता है, वैसे ही हो रहा है। यहाँ पर भी खंडहर हुआ है विद्यालय, आप देख सकते हैं हर जगह गड्ढा गुड्ढी सब दिखाई दे रहा है। हर क्लास में जाएंगे बिहार के किसी भी विद्यालय में, वैसे 100 में 10% विद्यालय है जो अच्छा दिखाई देता है, और 90% विद्यालय है जो जिनकी बिल्डिंगे जर्जर हो चुकी है। यहाँ पर भी देखिए बाहर के साइड में, यहाँ पर भी ये पूरा सीमेंट गिर गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे भी इसके नीचे खड़ा होते हैं, कभी भी गिर सकता है। अब बिहार की जो शिक्षा की स्थिति है वो आप लोगों को लाकर यहाँ से दिखा दिए। चलिए इसी के साथ में मनिंदर सिंह दबंग 24 से, धन्यवाद।